स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर फारूक शेख जी की फिल्मोग्राफी के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहली 1973 में आई थी गर्म हवा। इस मूवी लीड कास्ट में बलराज साहनी, फारूक शेख, गीता सिद्धार्थ, शौकत अली थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1986 में आई थी मेरे साथ चल, इसमें फारूक शेख, स्मिता पाटिल, श्रीराम लागू, प्रेमा नारायण लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फारूक शेख जी की अगली 1977 में आई थी शतरंज के खिलाड़ी। इस मूवी में फारूक शेख, संजीव कुमार, स्मिता पाटिल, फरीदा जलाल, अमजद खान थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। फारूक शेख जी की अगली 1978 में आई थी गमन। इसमें फारूक शेख, स्मिता पाटिल, गीता सिद्धार्थ थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली 1979 में आई थी नूरी। इस मूवी में फारूक शेख, पूनम ढिल्लो, इफ्तिकार, पद्मा खन्ना, अवतार गिल, मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट था 1,10,00,000 रुपये। इस मूवी ने भारत में 2,50,00,000 की और दुनिया में 5 करोड़ की कमाई के अनुसार से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करा दिया गया। फारूक शेख जी अगली 1980 में आई थी मैं और मेरी तन्हाई। इसमें फारूक शेख, दीप तिनवर, सुषमा शेठ, सईद जाफरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। फारूक शेख जी अगली 1981 में आई थी चश्मे बद्दूर। इसमें फारूक शेख, दीप तिनवर, राकेश बेदी, लीला मिश्रा थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फारूक शेख जी अगली 1981 में आई थी उमराव जान। इसको डायरेक्ट किया था मुजफ्फर अली ने। इसमें फारूक शेख, रेखा, राज बब्बर, प्रेमा नारायण, नसीरुद्दीन शाह, मुकरी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस सुपरहिट रही। फारूक शेख जी अगली 1982 में आई थी साथ साथ। इस मूवी में फारूक शेख, दीप तिनवर, राकेश बेदी, नीना गुप्ता लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फारूक शेख जी अगली 1982 में आई थी बाजार। इस मूवी में फारूक शेख, स्मिता पाटिल, सुप्रिया पाठक, नसीरुद्दीन शाह, भरत कपूर थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली 1983 में आई थी रंग बिरंगी। इसमें फारूक शेख, अमोल पारिकर, दीप तिनवर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फारूक शेख जी अगली 1983 में आई थी किसी से ना कहना। इसमें फारूक शेख, दीप तिनवर, उत्पल दत्त थे। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। ये मूवी हिट रही। फारूक शेख जी अगली 1983 में आई थी कथा। इसमें फारूक शेख, दीप तिनवर, नसीरुद्दीन शाह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित। फारूक शेख जी अगली 1983 में थी एक बार चले आओ। इसमें फारूक शेख, दीप नवल, गिरीश कर्नाड थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली 1984 में आई थी लोरी। इसमें फारूक शेख, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह थे। ये मूवी हिट रही। फारूक शेख जी अगली 1984 में आई थी लाखों की बात। इसमें फारूक शेख, अनीता राज, संजीव कुमार, उत्पल दत्त थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली मूवी इसी साल में आई थी अब आएगा मजा। इसमें फारूक शेख, अनीता राज थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। इसी साल मूवी आई थी यहाँ वहाँ। इसमें फारूक शेख, अरुणा ईरानी, जगदीप, दीना पाठक थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली मूवी आई थी 1985 में फासले। इसमें फारूक शेख, दीप नवल, उत्पल दत्त थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली मूवी 1985 में आई थी सलमा। इसमें फारूक शेख, राज बब्बर, सलमा आगा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली मूवी आई थी 1986 में पीछा करो। इसमें फारूक शेख, रोमानिक, सतीश शाह, अमजद खान थे। ये मूवी एवरेज रही। फारूक शेख जी अगली मूवी इसी साल में आई थी खेल मोहब्बत का। इसमें फारूक शेख, पूनम ढिल्लो थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली मूवी इसी साल में आई थी एक पल। इसमें फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह, शबान आजमी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली मूवी इसी साल में आई थी अंजुमन। इसमें फारूक शेख, शबाना आजमी, रोनी हथंगड़ी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस लो एवरेज करार दिया गया। फारूक शेख जी अगली मूवी 1988 में आई थी घरवाली बाहर वाली। इसमें फारूक शेख, अनुराधा पटेल, किम, सत्यन कपूर थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1988 में आई थी बीवी हो तो ऐसी। इसमें रेखा, फारूक शेख, सलमान खान, बिंदु, कादर खान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली 1989 में आई थी तूफान। इसमें अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी, अमृता सिंह, जरीना भा, फारूक शेख प्राण थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1990 में आई थी वफा। इसमें फारूक शेख, विजेता पंडित, जगदीप लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फारूक शेख जी अगली 1990 में आई थी जाने वफा। इसमें फारूक शेख, रति अग्नोत्री, शफी इनामदार, प्रदीप कुमार, इफ्तिखार लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। फारूक शेख जी अगली 1993 में आई थी माया मेम साहब। इसमें फारूक शेख, दीपा शाही, शाहरुख खान, राज बब्बर, परेश रावल थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फारूक शेख जी अगली मूवी 1995 में आई थी मेरा दामाद। इसमें फारूक शेख, जरीना भा, अशोक कुमार थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली 1995 में आई थी आप इंसाफ होगा। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, फारूक शेख, रोनी हथंगड़ी थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फारूक शेख जी अगली मूवी आई थी 1997 में मोहब्बत। इसमें संजय कपूर, माधुरी दीक्षित, फारूक शेख और अक्षय खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 4,75,00,000। भारत में 9 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 9,77,00,000 की कमाई के बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। फारूक शेख जी की अगली मूवी आई थी 2008 में
सास बहू और सेंसेक्स, इसमें तनु दत्ता, श्री अंकुर खन्ना, फारूक शेख थे। ये मूवी डिजास्टर रही। फारूक शेख जी अगली आई थी 2009 में एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, इसमें फारूक शेख, अभिमन्यु, सेलना जेटली थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2010 में आई थी लाहौर, इसमें अनाहद, श्रद्धा दास, फारूक शेख थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2011 में आई थी टेल मी ओ खुदा, इसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, फारूक शेख, दीप नवल, ईशा देओल थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2012 में आई थी शंघाई, इसमें इमरान हाशमी, अभय देओल, फारूक शेख, सुप्रिया पाठक थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी अगली मूवी आई थी 2013 में लिसन अमाया, इसमें फारूक शेख, दीप नवल, स्वरा भास्कर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फारूक शेख जी अगली मूवी आई थी 2013 में ये जवानी है दीवानी, इसमें रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, तन्वी आजमी, फारूक शेख, आदित्य राय कपूर थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फारूक शेख जी की अगली मूवी आई थी 2013 में क्लब 60, इसमें फारूक शेख, सारिका ठाकुर, सतीश शाह, रघुवीर यादव थे। ये मूवी फ्लॉप रही। फारूक शेख जी की अगली मूवी आई थी 2014 में उनकी डेथ के बाद में, 2013 में उनकी डेथ हुई थी, यंगिस्तान, इसमें फारूक शेख, जैकी भागनानी थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2014 में आई थी चिल्ड्रन ऑफ वॉर, इसमें रिद्धि सेन, विक्टर बनर्जी, फारूक शेख, पवन मल्होत्रा, रहीमा सेन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये फेमस एक्टर फारूक शेख जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके मूवीज़ में कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।